ही उजड़ा चमन। लगता ये रास्ता भटक गई है। Awesome, अब तक का बेस्ट टाइम। तुम्हारा सर खाली है। क्या कहा खाली? हेलमेट गंथर, हेलमेट ढूंढ जरा, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। तुम डरो मत के, यही कहीं होना चाहिए। ठीक से ढूंढ गंथर, हेलमेट बिना कैसे जीऊंगा? इसमें नई बात कौन सी है केक? हर स्टंट में तुम कुछ ना कुछ खोते हो। मुंह बंद रख। हेलमेट कोई चीज नहीं है गंथर, वो मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरी जान है। वो ऑसम आग में पिघलाकर बनाया गया है। जिगरबाज पानी से गुजर कर आया है और मेलोब्रुक के खिलौनों की दुकान से लाया गया है। जब से उसने मेरे सिर को अपनाया तब से मुझे छोड़कर नहीं गया है। सॉरी केक, मुझे पता ही नहीं था वो हेलमेट इतना जरूरी है, और तुमने बताया भी तो नहीं। मेरी आंखें भी मेरे लिए खास हैं। कभी मैंने बताया उनके बारे में? शायद नहीं बताया। हेलमेट के बिना मैं हूँ ही क्या? फ्रैंक? नहीं। हरमैन? नहीं। सुजैन? गंधर? नहीं, वो तो मैं हूँ। सॉरी, जाना होगा, खाने का टाइम है। मुझे आज बैलों को खाना खिलाना है, तो फिर कल दोपहर को मिलते हैं केक। बाय दोस्त। क्या आपने मुझे देखा है? देखा है तो कॉल करो किक बटोस्की। किक तो गया काम से। मुझे लगा हम गली में हेलमेट ढूंढने जा रहे हैं केक। रात भर ढूंढा, वहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हम दुकान में जाके दूसरा हेलमेट लेके आते हैं। दूसरा ले आते हैं? अगर तेरी सबसे प्यारी चीज खो जाए तो तू यही कहेगा? प्यारी चीज? ऐसा सोचो भी मत। बिल्कुल सही, प्यारी चीज एक ही होती है, जैसे पूम मैककॉन्डर और उसकी स्केट व्हील। रॉब कैलहन और उसका काला चश्मा। जैसे डर्ट बाइक माइक और उसके दस्ताने। मेरा हेलमेट मेरे लिए वैसा ही है, मेरी जिंदगी का हिस्सा। उसके बिना तो मैं पता नहीं कुछ हूँ भी या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, पर मैं समझना चाहता हूँ। वो एक जिगरबाज ही समझ सकता है। ये कौन से चक्कर में हो? चक्कर में परखे घन चक्कर मत बनो। चलो कपड़े पहनो। हे, तुम्हारे सभी जंपसूट्स कहाँ गए? वहाँ। काश मैं जिगरबाज होता तो समझ जाता। आहा, आइडिया। तो मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड ले लूँ तो चलेगा ना? नहीं। केक, छप्पन टेकड़ी की चोटी पर मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, शक मत करना, चले आना गंथर। ओह, नौटंकी।
गुड मॉर्निंग मॉम। हाय डैड। अच्छा टॉप है कैंडल। तुम होते कौन हो मेरी तारीफ करने वाले? रुको, तारीफ क्लेरेंस पटाउस्की। अरे ये फिर से रास्ता पटक गई है। क्या बात है गंथर, तुम सही थे, एक जिगरबाजी समझ सकता है तुम्हें, तो मेरे पास यही एक रास्ता था। तू जिगरबाज बन गया? बन जाता तो बात ही अलग थी। पर छोड़ो, केक तुम्हें फिर से स्टंट्स करने होंगे। गंधर तुझे पता है हेलमेट के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। प्लीज चांस। हाँ मेरे शेर, ये मैं ही हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि एक जिगरबाज कलाबाजी करने से डर रहा है? जिगरबाज क्या होता है याद नहीं, हेलमेट के बिना मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। जानता हूँ, मैं भी भुगत चुका हूँ। हेलमेट से कीमती चीज खो चुका हूँ। मेरी इतनी खास चीज खो गई थी कि मैं भूल गया मैं कौन हूँ। इतनी खास थी कि आज उसके बिना जीना पड़ रहा है मुझे। जानते हो क्या चीज थी वो? आपका, मेरा घोड़े की पुरानी नाल वाला गहना। जश्न बर्बादी 82 के कुछ मिनट पहले किसी निकम में कीड़े ने चुरा लिया खुद के लिए। ए, उस घोड़े को रोको। मेरा घोड़े की पुरानी नाल वाला गहना गया, मेरा काम रुक सा गया। वो गहना मेरी जान था। उस गहने के बिना जिगरबाज बन के रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लेकिन हेलमेट के बिना मेरे लिए जीना नामुमकिन है। देखो बच्चे, हमें वही करना चाहिए जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। मैंने तो यही सीखा है कि हिम्मत ना हेलमेट से आती है ना नाल से, वो आती है यहाँ से। ये सही कह रहे हैं, तो चलो तुम इसी वक्त 56 टिकड़ी से कूद जाओ। तुम्हारे पैरे हेलमेट के बिना और स्केटबोर्ड के बिना। जाओ केक, मर्द को दर्द नहीं। यस, जे ऑसम। ओहो, वाह कमाल हो गया। लो फिर से तुम जिगरबाज तो बन गए। जिगरबाज तो बन गया, लेकिन जिस वक्त मुझे आपकी जरूरत थी आप उसी वक्त यहाँ पर आ गए 56 टेकड़ी पर। ऑसम। तुम्हारा दोस्त बंदा कमाल है। मैं हूँ किक बटॉस्की, आपका जिगरबाज। सर पे क्या है फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स बिली। मेरा नाम गंथर है। पता है गंथर, जो कुछ भी हो अब हेलमेट को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमारे पुरखे यही तरीका अपनाते थे। अलविदा हेलमेट, मैं जिगरबाज की जिंदगी जीता रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्या हुआ? लगता है वहां कुछ है। अच्छा, ये हेलमेट बीच में आ रहा था, अभी इसे यहाँ से दूर फेंक देता हूँ। हेलमेट तो मिल गए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बिना मैं जिगरबाज बन भी जाऊंगा, लेकिन तुम साथ हो तो क्या बात है। देखो तुम्हारा पसंदीदा टॉप। कैंडल, मेरी पसंदीदा चीज ये है। दोस्तों मैं आ गया। ऑसम, हम आ गए। वेट के बिना कुछ नहीं। न
मिल गया। कमाल किया खतरों के खिलाड़ी, शरबत तैराकी का नया रिकॉर्ड। ये ट्रॉफी अब तुम्हारी है। ये रही मेरी पहली मूछ जिसे पहनकर मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था, और अब ये तुम्हारी है। वाह वेड, ये मेरा सम्मान है। नहीं नहीं रहने दो, इतनी तारीफ मत करो मेरी, तुम दोनों मेरे दोस्त हो। एक जिगरबाज है और दूसरा जिसके बिना मेरी नौकरी बोरिंग होती। सुनो, फ्रूटी फ्रीजिस और शरबत मिलने से क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? अब देखो चीता चेक क्या करता है। किसने मेरी हड्डियां देखी है? फिर मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। बड़ा मजा किया है। फ्रूटी फ्रीजी बॉम्ब्स। कैसे हो वेड? वॉल्टर, वेड का नाम बदल गया है और शरीर भी। आप कौन? जैसे कि यहाँ लिखा है, मैं हूँ वॉल्टर और मैं तुम्हें फ्रूटी फिजिस में चीता चक मिलाने नहीं दूंगा। वेट तो करने देता था, उसी ने हमें सिखाया। उसने ये वार्निंग नहीं पड़ी होगी, असली चीते के पसीने से बनी ड्रिंक के साथ मिलाकर ना पिए। छोड़ गंधर, जब वेट होगा तब आएंगे। अच्छा तो वॉल्टर, चलो फिर मिलते हैं। और जाते जाते इस पहली मुलाकात की खुशबू छोड़े जाते हैं। वेट कितने बजे आएगा? वेट यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका प्रमोशन हुआ है और अब वो इस जगह कभी नहीं आएंगे। सब खत्म, हम भी नहीं आएंगे। वेट के बिना इस फूड एंड फिक्स में आखिर रखा ही क्या है? हाँ, कितना साफ है। कमाल है, वेट बिना बताए ही चला गया। भूल गया होगा। मुझे लगता है वो अपने नए दोस्तों के साथ खुश होगा। हे दोस्त, मेरे पास हॉट डॉग है, अगर शरबत की मशीन है तो। मेरे पास फ्रूटी फ्रेंजिस है, तुम्हारे पास चीटा चक है तो। आओ, ठीक है ठीक है, बाद में मिलते हैं। अब आप क्यों बीच में खड़े हैं? तुम मुझे साहब कहा करो बेवकूफ। तो आप बीच में क्यों खड़े हैं? सर, मुझे बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, वैसे भी मैं बोर हो चुका हूँ। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ? 3 हफ्ते हो गए बेट को वहाँ गए हुए। लगता है वो अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। और इस तरह ये नई परिवर्तित कार्यनीति हमारी उत्पादकता बढ़ाएगी। और रुको, एक मिनट, बस एक ही सवाल है मेरा, ये बिल्ली यहाँ आई कैसे? और ये है उत्पादन सूची, मुझे इतना उत्साहित नहीं कर पा रहा है। मेरे डर का सबूत मुझे मिल गया। वेट, कोई सुझाव? उन्नति, उन्नति के लिए हरी सब्जियां खाना जरूरी है। एक और कमाल की तरकीब वेट, फिर से तरक्की के हकदार हो तुम। सब लोग वेट जैसे बनो, समझ गए? हंगामा। फूड एंड फिक्स जाने की सारी मस्ती खत्म हो गई। उस जिगरबाज और उसके जिगरी के बिना मजा नहीं आ रहा। वेट नहीं तो मजा नहीं। सोचा था कभी नहीं बिछड़ेंगे। शायद हमारा ये दोस्त बन जाए केक। खतरों के खिलाड़ी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा वेट, अरे पलट। एक्चुअली मैं कबूतर भेजने वाला था, लेकिन मुझे लगा ये कछुआ तेज होगा। वेट हमें छोड़कर नहीं गया, उसे जाना पड़ा, उसे हम वापस लेकर आएंगे। चल धूम मचाते हैं। बाय बॉम, 5 बजे मिलते हैं। बस एक दोस्त को मिल के ही आते हैं। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये एक चुनौती भरा मिशन है। चल वेट को वापस लेकर आते हैं। क्या स्टाइल है, बस मुझ पे नहीं जचती। ए, बच्चे नहीं जा सकते। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा, शायद वो। क्या बात है खतरों के खिलाड़ी, गंधर, क्या मेरा हुक तैयार है? क्या हम दोनों भैंस बदल के देखे? ओह नमस्ते सर, कैसी हैं मैडम आप? हवा अच्छी चल रही है आज। ताजी दोस्त,
जिगरबाज दोस्त, क्या झक्कास लग रहा है मूंछों में। तुम्हें देखकर अच्छा लगा बे। इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? क्या तुम्हें मेरा खत नहीं मिला? तुझे कछुआ ही मिला था क्या? वेट, मुझे लगा वो तेज है। वाव, क्या ऑफिस है, तुमने इतनी तरीके की कैसे? मुझे पता नहीं, हो सकता है चीता चक्की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की वजह से। हम तुझे यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। वो ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? क्या, किक का दोस्त कभी नौकरी नहीं छोड़ेगा। मैं तुझे यहाँ से निकलवा कर तुझे वापस वहीं ले जाऊंगा। हे दोस्त, क्या तुम सच में मुझे इस बोरिंग ऑफिस से निकाल के ले जाओगे? तूने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, अब हमारी बारी है। हे, सब कुछ ठीक तो है ना यहाँ? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। सही है, क्योंकि कोई बच्चे नहीं है यहाँ। अंकल जी का कुछ करना होगा। गंधर, तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। तो बताओ अब कौन सा काम बचा है? ये मेरा गिफ्ट है। ऑफिस तो काफी बढ़िया है। हाँ, ये तो हेड ऑफिस है। आपका ब्रीफ केस सर। वेट, ये सब क्या है? तुम्हारी और तरक्की करनी पड़ेगी। तुम सही हो, हम ढांचे की तरफ ध्यान देना भूल ही गए हैं। तरक्की। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें रास्ते की दीवारों को तोड़ देना चाहिए। तरक्की। लिफ्ट इस्तेमाल करने से वजन बढ़ता है। तरक्की। छह छक्कर से बढ़िया होता है। और एक तरक्की। ठीक है, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अब भी नहीं समझे दोस्त, तरक्की मेरे नसीब से चिपक गई है। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूंगा और उस काम के लिए भी तरक्की मिलेगी। समझ गया, बुरा काम करते हैं तो तरक्की मिलती है। अब कोशिश करते हैं तरक्की के लिए, ताकि हो जाए डिमोशन। तुम्हारी बात ठीक से पल्ले नहीं पड़ी मेरे, पर ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम नहीं, जो भी कहा होगा सही होगा। तो चल शुरू करते हैं असली काम। ओ नहीं, तो जैसे कि आपने सुना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था मेरा प्लान फूड एंड फिक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उप्स। hey! विश्वास नहीं हो रहा, वेट, इस बार उत्पादन ने आसमान छू लिया और ये तुम्हारी वजह से हुआ। एक और तरक्की। अजीब आदमी हो, चीता चक पानी की टंकी में डाल दिया, ब्रीफ केस में मछली डाल दी, इस ऑफिस की इमारत की छत उड़ा दी। वेट को उसके पद से हटाने के लिए और क्या करूं अंकल जी? ये सब तुमने किया? मेरी कोशिश थी कि वेट को पुरानी जगह मिल जाए। वो तड़प रहा है फूड एंड फिक्स के लिए और हम तरस रहे हैं उसके लिए। मैं तुम्हारे जज्बे की दाद देता हूँ, मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। मैं भी हेलमेट पहनता था, ना कितनी सी थी। और वेट, तुमने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारा हक बनता है। वेट, आज मैं तुम्हें दूंगा एक लंबी सी छुट्टी। जान छुट्टी, फिर मिलेंगे। चल वेट अपने अड्डे पे। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे ड्रम किट ले जाने देंगे? पकड़ लिया। हे, जान मर गई के, छोड़ मुझे। दिल खुश हो गया, तू वापस आ गया यार। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है दोस्त। जानते हो, ऑफिस में काम करके मुझे कुछ सीखने को मिला है और मैं बदल चुका हूँ। अब मैं यहाँ भी काफी सारे बदलाव लाऊंगा। अब एक नई बात सुनो। हे देखो मैं क्या लाया हूँ, चक्को फीजीस। चलो देखे इसे चीटा चक एक्सी के साथ मिलाया तो क्या होगा। क्या किसी ने मेरी हड्डियां देखी है? तुम सही हो, हम कुछ ज्यादा ही तेज है यहाँ। तरक्की।